इस क्लास को आप गूगल क्लासरूम, यूट्यूब और जूम ऐप के जरिए अटेंड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हम लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट एक बड़ा कोर्स है, वास्ट कोर्स है, इसको कवर करेंगे अपन धीरे धीरे एक लेक्चर में। कुछ टर्म्स हैं लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, इसको अपन समझेंगे तो ईजी पड़ेगा अपने कोर्स। चलिए देखते हैं वॉट इज लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक हिंदी में अपन कहते हैं पशुधन। पशुधन क्या है पहले अपन पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड इन एन एग्रीकल्चरल सेटिंग्स टू प्रोड्यूस लेबर एंड कमोडिटीज सच एज मीट, एग, फर, लेदर, वूल एक्सेट्रा। मतलब हम जानवर को डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब घरों में रखते हैं, रेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेटिंग्स टू प्रोड्यूस लेबर एंड कमोडिटीज। हम जानवर को रख रहे हैं अपने घर में जिनसे हमको क्या लाभ मिल रहा है, मीट मिल रहा है, एग मिल रहा है, फर, लेदर, वूल और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, इसको कहते हैं लाइफ स्टॉक। दूसरा एक वर्ड है एनिमल हस्बेंड्री, इसको हिंदी में कहते हैं पशुपालन। शब्द से ही अर्थ निकल कर आता है पशु का पालन। डे टू डे केयर ऑफ एनिमल्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। जो हम जानवर को पालन पोषण करते हैं, हम रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उससे क्रिया करवाते हैं, उसे अपन पशुपालन कहते हैं। डे टू डे केयर ऑफ एनिमल्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक, चलिए देखते हैं पहले लाइफ स्टॉक सेंसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंट डेटा है। लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 में भी लाइफ स्टॉक सेंसस क्या होता है, पशुधन जनगणना। जैसे इंसानों की जनगणना होती है वैसे पशुओं की जनगणना होती है, हर 5 साल में एक बार होती है। पिछली बार भी थी 2012 में, अभी हुई है 2019 में। वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और ये 20वां लाइफ स्टॉक सेंसस है जो अभी हुआ है 2019 में। पहला लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ 1919-1920 के बीच में। ठीक, ये जनगणना करता कौन है, इसका रिपोर्ट कौन निकालता है, वो ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो मंत्रालय है, ये निकालता है पशुधन जनगणना करके हर 5 साल में एक बार। तो पिछली बार भी 2012 में, इस साल भी 2019 में। तो इससे 2012 से कितना उतार चढ़ाव हुआ 2019 में, अब वो डिस्कस करते हैं। चलिए ये डेटा है सामने 2019 रिपोर्ट के हिसाब से। भारत जो है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है, मतलब 20.17%। इसका मतलब क्या है, 100% पूरे विश्व के दूध उत्पादन में से भारत का योगदान है 20.17%। पूरे विश्व के 100% दूध उत्पादन में भारत का योगदान 20.17% है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। प्रोसेसिंग सेकंड थिंग एग प्रोडक्शन में आते हैं, अंडे के उत्पादन में एग प्रोडक्शन में भारत का योगदान है 5.65%। ये सब चीजें नोट कर लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है मीट, मांस उत्पादन। मांस उत्पादन में भारत का योगदान है 3%, पूरे विश्व के 100% उत्पादन में से भारत का योगदान 3% है। ठीक, चौथी बात आती है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मिल्क एनिमल्स। भारत में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मिल्क एनिमल्स, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या हो गया, मिल्क एनिमल्स मतलब दूध देने वाले। मिल्क हम उसी को बोलते हैं जिससे दूध का उत्पादन हो सके। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है दूध देने वाले जानवरों की पूरे विश्व में, ये नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इंडिया की रैंक देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड खेलने की आदत है हमको बचपन से, तो फर्स्ट सेकंड में कौन कौन है ये देख लेते हैं। इंडिया की रैंक फर्स्ट है किस चीज में, टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन ये जनसंख्या, टोटल पशुधन जनसंख्या, प्रोडक्शन मत कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्शन पॉपुलेशन है, टोटल पशुधन जनसंख्या। तो टोटल पॉपुलेशन में हम टॉप पे हैं, पॉपुलेशन में हम वैसे ही आगे रहते हैं। दूसरी चीज मिल्क प्रोडक्शन, टोटल मिल्क प्रोडक्शन में हम टॉप पे हैं, बफेलो पॉपुलेशन पे टॉप पे हैं। गोट मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन, बकरी के दूध उत्पादन में हम पहले नंबर पे हैं। अब अगली चीज है कैरा बीफ प्रोडक्शन। कैरा बीफ प्रोडक्शन, आप मेरे को बच्चे लोग ये बताना कैरा बीफ किसके मीट को बोलते हैं, किसी के मीट को बोलते हैं तो आप कमेंट में बताना मेरे को, ये कैरा बीफ किसके मीट को बोलते हैं। तो कैरा बीफ प्रोडक्शन में भी हम टॉप पे हैं। ठीक, ये नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्लस होम एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये देखिएगा ध्यान से। सेकेंड हम हैं कैटल पॉपुलेशन में, जो कैटल की जनसंख्या है, जो गाय की जनसंख्या है, उसमें सेकेंड रैंक पे हैं पूरे विश्व में। गोट के पॉपुलेशन में,
ये भी जनसंख्या है, ये भी जनसंख्या है। यहाँ पे कैटल की बात हुई है, यहाँ पे गोट की बात हुई है। गाय जनसंख्या, बकरी की जनसंख्या पे हम सेकंड नंबर पे। थर्ड पे आते हैं अंडे का उत्पादन, प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन है, पॉपुलेशन नहीं है, प्रोडक्शन है। थर्ड रैंक पे है ना एग प्रोडक्शन में, शीप पॉपुलेशन में और फिशरीज प्रोडक्शन में। ये प्रोडक्शन है, ये पॉपुलेशन है, ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन उत्पादन, पॉपुलेशन जनसंख्या, शीप भेड़ को बोलते हैं। अंडे उत्पादन में थर्ड नंबर पे है, भेड़ के जनसंख्या में हम थर्ड नंबर पे हैं और मछली के उत्पादन में हम थर्ड नंबर पे विश्व। पांचवे नंबर पे ये पोल्ट्री प्रोडक्शन, मतलब पोल्ट्री का उत्पादन में हम पांचवे नंबर पे। मीट प्रोडक्शन, जहां भी मीट शब्द आया है, अभी ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे पोल्ट्री मीट लिखा है ये अलग हो गया, मीट प्रोडक्शन का ओवरऑल मीट की बात कर रहे हैं। तो हम फिफ्थ रैंक पे हैं पोल्ट्री प्रोडक्शन में और मीट प्रोडक्शन में। सिक्स्थ रैंक पे हैं हम पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन में, ये पोल्ट्री के मीट की बात हो रही है, इसे अलग से लिखा है पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन में हम सिक्स्थ रैंक पे। तो ये अच्छे ध्यान रखें कि फर्स्ट रैंक पे हम किस किस चीज में हम पहले रैंक पे हैं, सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे और डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ डेटा और देखते हैं। अभी जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है, मतलब कि पशुधन की पॉपुलेशन है, वो इतनी है 535.78 मिलियन, 535.78 मिलियन अभी पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक की 2020 में। ठीक, पिछले 2019 के सेंसस के हिसाब से अभी जो जनसंख्या है वो इतनी है, और पिछला लाइफ स्टॉक सेंसस कब हुआ था 2012 में, उससे 4.6% इंक्रीज हुई है। 2012 से के पॉपुलेशन के हिसाब से 4.6% इंक्रीज हुई है और अब जाके इतनी हुई है। ये नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ कहाँ, ये टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की बात हो रही है, कैटल बफेलो अलग से इसमें नहीं है। टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इतनी है अभी, जो कि पिछले जनगणना के हिसाब से 4.6% बढ़ी है। सबसे ज्यादा इंक्रीज है कहाँ, वेस्ट बंगाल में 23% इंक्रीज हुआ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। दूसरा तेलंगाना में 22%। तेलंगाना स्टेट 2014 में फॉर्म हुआ और अभी इसकी पॉपुलेशन 22% बढ़ गई है इस जनगणना के हिसाब से। टोटल पॉपुलेशन, कैटल पॉपुलेशन देखें तो टोटल कैटल पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना हुआ, 0.8%। 0.8% टोटल कैटल पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ। इस कैटल पॉपुलेशन में दो ब्रीड है, एक्सोटिक ब्रीड और इंडिजिनस ब्रीड। एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड बाहर की ब्रीड होती है, क्रॉस ब्रीड मतलब कि जो अपन क्रॉस करके ब्रीड बनती है, एक्सोटिक बाहर की ब्रीड है, इंडिजिनस होती है वो, उसको देसी बोलते हैं। तो टोटल कैटल पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना हुआ, 0.8%। टोटल एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड में इंक्रीज कितना हुआ, 27%। पिछले जनगणना के हिसाब से जो टोटल एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड में जो इंक्रीज हुआ है वो 27% हुआ है, सोचने वाली बात है। और जो इंडिजिनस कैटल में डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन मतलब डिक्रीज, वो 6% हुआ है। 2012 जनगणना के हिसाब से इंडिजिनस कैटल मतलब देसी कैटल में 6% गिरावट देखी गई है और एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड में 27% इंक्रीज देखा गया है। क्या हुआ था, भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी 2014 में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में हम और चर्चा करेंगे, यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता दें। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या हुआ था, हम इंडिजिनस कैटल को, देसी कैटल को बढ़ावा देने के लिए योजना लाए थे 2014 में। योजना ये थी कि हम देसी कैटल को बढ़ावा देंगे, देसी जर्म प्लाज्म को सिक्योर करेंगे, इनमें बीमारी नहीं होने देंगे और इस कैटल को बढ़ावा देंगे। लेकिन वो फेल नजर आते हुए 6% डिक्लाइन हुआ इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन में, क्रॉस ब्रीड में इंक्रीज हुआ है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। और एक मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री ने अभी 10 सितंबर को लॉन्च की है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये फिशरीज के बारे में है। इसको प्रधानमंत्री जी ने अभी 10 सितंबर को लॉन्च किया है, 10 सितंबर 2020, और ये लॉन्च हुआ था 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी देखते हैं।